पाली पढ़ना सीखो भाग तीन, जो पहले एक और दो भाग हैं उसमें आपने सबसे पहले बुद्ध को नमस्कार करना सीखा पाली में, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस, तीन बार। उसके बाद में आपने तीन शरण सीखी, जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस तीन शरण के बाद में, तीन शरण के बाद में आप सीखेंगे आज पढ़ना पांच सील। दरअसल अभी जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सिर्फ पाली को पढ़ना सिखाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अर्थ मैं बता देता हूं, मगर आपको अगर पूरा अर्थ इसका समझना है तो और भी वीडियो बहुत सारी हैं, जैसे पंचशील जो आप सीखेंगे उस पंचशील की विस्तृत जानकारी, बृहद जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी अलग अलग सीलों की सील में वीडियो में दिए हुए हैं, वो आप टीम 22 के चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर देख सकते हैं। क्योंकि पाली को पढ़ना ज्यादा मुश्किल है नहीं, मगर देखने में लगता है कि पाली बड़ी कठिन है। जो आज की हिंदी है और जो मराठी है या जो गुजराती है या जो पंजाबी है या जो तमिल है या जो भी भाषाएं भारत में चलती हैं, वो सभी पाली ही के रूप है, पाली से ही विकसित हुई हैं, पाली ही उनको कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो हिंदी की जगह अगर पाली लिखवा देंगे तो वहां एक ही बात होगा, क्योंकि जो भारत में भाषाएं बोली जा रही हैं वो सारी प्राचीन और प्राकृतिक भाषा हैं जो बोली जा रही हैं, और उन्हीं भाषाओं को बहुत ज्यादा पहले कौसली या मगधी या अशोकी या धम्म की भाषा या बुद्ध की भाषा या पाली आज के समय में कहकर पहचाना जाता है, और लेटेस्ट में आप उसको हिंदी कहकर भी जान सकते हैं। हिंदी में कुछ जो शब्द हैं वो बाहरी शब्द मिले गए हैं, जो बाहर की भाषा के आए हुए हैं, अगर उन भाषाओं के शब्दों को आप निकाल देंगे तो वो खाली पाली बचती है। ठीक ऐसे जैसे अगर 20 में 4 जोड़ दें तो 24 होता है, और अगर 24 में से 4 घटा दें तो 20 फिर रह जाता है, ऐसे ही पाली में कुछ शब्द जोड़ दिए तो वो हिंदी हो गई, और उन शब्दों को अगर निकाल देंगे तो वो फिर दोबारा से वही पुरानी पाली प्राकृतिक नेचुरल पक्ति भाषा हो जाएगी। पक्ति मतलब नेचुरल। तो यहां मेरे साथ साथ आप बोलेंगे जो पांच सील हैं उनको सीखेंगे। ये बच्चों को खासतौर से प्रैक्टिस कर टिकटॉक पे या व्हाट्सएप पे या जो यूट्यूब है या फेसबुक है या जो और भी एप्स आ रही हैं उन पे वो डाउनलोड करें, और अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने क्लास में दोस्तों को बताएं कि देखो हम पाली पढ़ना सीख रहे हैं। पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि, ये पहला सील है। सील क्रम से चलते हैं, आप बिना क्रम के भी याद रख सकते हैं, सीलों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सबके साथ अगर गाएंगे तो क्रम से ही बोलना चाहिए। तो पहला जो सील है वो है पाणाति पाता, इसको एक शब्द में बोल सकते हैं पाणाति पाता। पाणाति पाता, पाण जो है उसको प्राण बोला गया है बाद में, और पाणाति पाता, पाता का मतलब है उसका पतन करना, यानी पाणा अति पतन, यानी कि जो प्राण है उसका बहुत ज्यादा पतन करना। पतन का मतलब होता है गिराना या किली करना, यानी हत्या करना, हिंसा करना। तो पाणाति पाता में तीन शब्द आते हैं, पाणा अति पाता, तो इसको हम बोलेंगे पाणाति पाता वेर मणि, वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि। सिक्खा मारे तो वही होता है जो शिक्षा होता है, जिसको सीखते हैं, जिससे पंजाब के अंदर जो सारे सिख हैं उनको सिक्खा एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी भाषा पंजाब में तो बहुत ज्यादा चलती है, हरियाणा पंजाब में तो पूरा पाली भरा पड़ा है। तो सिक्खा वही है जो वो सिख शब्द है, यानी जो सीखे हुए उन्हीं को सिक्खा बोलते हैं। तो पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि, इसमें वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि सभी में कॉमन आएगा, इसलिए इसको एक बार अगर याद कर लेंगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है अदिन्न दाना, ए दिन्न दाना, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए दिन्न दाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि, ये दूसरा सील हो गया। तीसरा है कामेसु, कामेसु, कामेसु मिच्छाचारा, यानी जो मिच्छा है और जो आचरण है उसका एक शब्द बनाया गया है मिच्छा
आचरण है वैसे तो, इसको बोला जाता है मिच्छाचारा, कामेशु मिच्छाचारा। मिच्छा माने होता है मिथ्या यानी झूठा, और कामेशु है कि जो काम में रत रहता है, जो काम वासनाओं में है। पांच तरह की काम वासनाएं होती हैं, लगभग छह तरह की। एक खाने की वासना है, एक सुनने की वासना है, एक सूंघने की वासना है, एक काया के शरीर की वासना है, एक आंखों से देखने की वासना है, और इन पांचों वासनाओं से मिलकर जो मन में वासना बनती है वो छठी वासना होती है। तो सारी वासनाओं के लिए बोला गया है कामेशु मिच्छाचारा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी। कामेशु यानी काम एसु, ऐसे करके पढ़ेंगे, काम एसु मिच्छाचारा वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी। चौथा सील है, चौथा सील सबसे आसान है, मूसा वादा आपने जोड़ना है बस। मूसा वादा मतलब है जो झूठ बोलते हैं, यानी वाद माने होता है वाद करना, बात करना। तो मूसा वादा जैसे होता है ना, आप कहते हैं बुद्धवाद है या अंबेडकरवाद है, यानी कि उस तरह का जो विचार पूरा आता है वो झूठ नहीं होना चाहिए। तो मूसा वादा वेर मणि सिक्का पदंग समाध्यामी, मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदंग समाद यामी। और आखिर में है सुरा मेरय, सुरा मेरय मज्ज पमादठाना। सुरा, सुरा तो वही होगी जो बड़ी फेमस है, सुरा जो पेड़ है उसका नाम भी है सुरा मेरय मज्ज। मज्ज होता है जो मद हो जाता है ना, मद निषेध, उसको मज्ज बोला है पाली के अंदर। पुराना वो मज्जी है, उसको बाद में मद किया गया। और मेरे होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं, और सुरा जो तरल पदार्थ होते हैं नशीले। सुरा मेरे मज्ज पमादिठाना, पमाद का मतलब है प्रमाद, दिठाना, दिठाना का मतलब होता है स्थान। पमादिठाना वेर मणि सिक्खा पदंग समादयामी। ये पांचों सील इस प्रकार से हो गए हैं। इन पांचों सीलों को आप आराम से अपने आप बोलिए, उन्हें अपनी भाषा में रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए या ऑडियो बनाइए, और खुद उनको सुनिए कि वो आप में कितने अच्छे बोले हैं कितने नहीं है, और उनको बाकायदा गा गा कर बोलिए। कैसे? पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समादयामी, अदिन्न दाना वेर मणि सिक्खा पदंग समादयामी, कामे सुमिच्छाचारा वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि, मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेर मणि सिक्खा पदं समादयामि। आप 100,000 तरह से गा सकते हैं, किसी भी जो पंचशील है या कोई भी धमपद है या कोई भी पाली का जो लिखा हुआ पद है, जब आप पाली पढ़ें उसको याद करें तो उसको गुनगुना सकते हैं किसी भी गाने की पैरोडी पे, किसी भी गाने में, या जो धुन आप तैयार कर सकते हैं उस पे गा सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करें, बच्चे तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और अपना वीडियो बना बना के इसका खेल खेलें और सबको भेजें कि देखो मैंने इसको ऐसे गाया है, और मैंने इसको ऐसे गाया है, इसको मैंने ऐसे गाया है। जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को इसका अभ्यास कराएं, उससे उनको याद करने में आसानी आएगी। ये बहुत तरह से गाया जा सकता है, जैसे मैं आपको एक तरह से और इसको गा के दिखाता हूँ। पानाति पाता वेर मणि सिक्ता पदं समादयामि, अदिन्न दाना वेर मणि सिक्ता पदं समादयामि, कामे सुमिच्छाचारा वेर मणि सिक्ता पदं समादयामि, मूसा वादा वेर मणि सिक्का पदं समादयामि, सुरा वेर मज्ज पमादिट्टान वेर मणि सिक्का पदं समादयामि। आप जितनी भी तरह से चाहें उसको किसी भी एक्सेंट में गा सकते हैं, मलयालम में, तमिल में, पंजाबी में, पंजाबी में भी गा सकते हैं। पंजाबी में आप गाना चाहें तो पंजाबी का एक्सेंट अगर आप आता है और उसमें गाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। जितनी भी दुनिया में जितने भी भाषाओं में लोग हैं, चाहे कोरिया में है, चाहे चीन में है, या जापान में है, या अमेरिका में है, या लाओस में है, या थाईलैंड में है, या श्रीलंका में, सबका एक्सेंट अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि सभी बोलते यही हैं और सबका अलग अलग तरीके से है।
आप अपना तरीका ईजाद कीजिए और उसको बोलिए, बड़ा मजा आएगा और आप इसी बात बात में इसको सीख भी जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.